नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे हम बोर्ड पे पानी की सब पर्यायवाची लिखे हैं। देखिए, पानी की पर्यायवाची होती है अम्ब, नीर, वारि, सलिल, तोय, अप, पाथ, अम्ब, आब, उदक, जीवन, सलिल। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट लिखा है कि प्रायः जल के पर्यायवाची में दा शब्द या फिर धर शब्द जोड़कर बादल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कैसे बनता है। तो हम यहाँ पे बादल की पर्यायवाची लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दा शब्द जोड़ के बनाते हैं। तो ये है अम्ब, अम्ब में दा जोड़ेंगे बनेगा अम्बुद। नीर में हम जोड़ेंगे दा, बनेगा नीरद। वारि में दा जोड़ेंगे बनेगा वारिद। उसके बाद यहाँ पे हम जोड़ देंगे, ये बन जाएगा तोयद। ठीक है, अब देखिए ये तो दा शब्द बनाने से क्या बना, बादल का पर्यायवाची। अब हम जरा इसमें क्या जोड़ते हैं, धर जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा अम्बुधर, धाराधर, मेघ। तो ये जो हमारे कुछ बादल के पर्यायवाची हो गए जो हम जल के पर्यायवाची के द्वारा बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पानी का अम्ब, नीर, वारि, सलिल, तोय, अप, पाथ, फिर यहाँ पे अम्ब, आब, उदक, जीवन, सलिल। ठीक है, और दा जोड़ेंगे तो बन जाएगा अम्बुद, जो कि बादल का पर्यायवाची है। नीरद ये भी बादल का है। वारिद, तोयद, अम्बुधर, धाराधर, मेघ। तो अगर आपको बादल की और पर्यायवाची पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं भाषा की, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो वह माध्यम, भाषा की बात करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो वह माध्यम जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने भाव अथवा विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों, यहाँ पे लिख सकते हैं अथवा अभिव्यक्तियों को, तो किसी दूसरे के समक्ष रखते हैं उसे भाषा कहते हैं। क्या है वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों अथवा अभिव्यक्तियों को किसी दूसरे के समक्ष रखते हैं या फिर पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा तीन प्रकार की होती है। एक हो जाएगी हमारी मौखिक भाषा, दूसरी हो जाएगी लिखित भाषा, और तीसरी हो जाएगी सांकेतिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा वो होगी कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाषा किसे कहते हैं, तो जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ उसे बोलेंगे मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा ना कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को, यहाँ पे भाव अथवा विचारों अथवा अभिव्यक्तियों को किसी दूसरे के समक्ष रखते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, उसे भाषा कहते हैं। तो ये हो गई लिखित भाषा। लेकिन अगर हम सांकेतिक भाषा की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन जब लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा होता है, तो टीवी की जो स्क्रीन होती है उसकी आधी स्क्रीन पर एक महिला या पुरुष खड़ा होता है और वो खाली जो है संकेतों से बोलता रहता है। तो वो जो होता है गूंगे और बहरों के लिए होता है, तो वो संकेतों से समझते हैं। तो हमारी क्या हो गई, सांकेतिक भाषा। अब ये तो होगी भाषा
भाषा कितनी, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, अब एक आया हमारा मानक भाषा। यहाँ पे क्या हो गया, मानक भाषा। ठीक है, मानक भाषा में हम कह सकते हैं कि जिस भाषा का अपना व्याकरण होता है, जिस भाषा का अपना व्याकरण होता है उसे मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, जिस भाषा का अपना व्याकरण होता है उसे मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी हिंदी है ना, हिंदी एक मानक भाषा है ना, क्यों, क्योंकि इसका एक सुव्यवस्थित व्याकरण है। ठीक है, तो हिंदी हमारी क्या होगी, एक मानक भाषा होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अभी मैंने बताया कि जिस भाषा का अपना व्याकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण जो हमारा ये व्याकरण है, ये बना है वी धन आ धन करण। ठीक है, ये वी धन आ धन करण से बना हुआ व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण क्या है, तो किसी भाषा को समझने अथवा लिखने अथवा पढ़ने के लिए जिन सुव्यवस्थित ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है या फिर जिन नियमों की ज़रूरत पड़ती है, वो नियमों का जो समूह होता है उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। हेलो, हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे व्याकरण किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नियमों का वह समूह, अथवा यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुस्तक, जिसकी सहायता से किसी भाषा को बोला, पढ़ा अथवा लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, व्याकरण कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्याकरण की सहायता से किसी भाषा को मानकता प्रदान होती है। यहाँ पर हम लिख देंगे व्याकरण की सहायता से ही किसी भाषा को मानकता प्रदान होती है। ठीक है, अब देखिए जो व्याकरण है हमारा हिंदी व्याकरण, अब यहाँ पे हम हिंदी भाषा पढ़ेंगे तो इसलिए हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। तो हिंदी व्याकरण को समझने के लिए हमें पूरे हिंदी व्याकरण को चार भागों में क्या किया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। इसको उतार लीजिए फिर हम बताते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा हिंदी व्याकरण है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंदी। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण को हम क्या करेंगे, चार भागों में तोड़ देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्ण विभाग, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम यहाँ पे शब्द विभाग, फिर पढ़ेंगे पद विभाग, और लास्ट में हमारा आएगा वाक्य विभाग। ठीक है, अगर हम किसी एक पैरा को उठाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है, वाक्य होता है, वाक्य से जो छोटा होता है वो शब्द होता है, शब्द के बाद वर्ण आएगा। अब वर्ण जो होगा हमारा, यहाँ पे अभी हम उच्चारण के आधार पे हम नहीं बोल रहे हैं, अभी यहाँ पे हम वर्ण को दो भागों में तोड़ेंगे। एक हो जाएगा हमारा क्या, ध्वनि, और एक हो जाएगा ये वर्ण।
ठीक है, एक हो जाएगा ध्वनि, एक हो जाएगा वर्ण। तो जो ध्वनि होती है इसी को बोलते हैं मौखिक रूप, और जब ये जो मौखिक रूप होती है इसको जब लिखित रूप दे दिया जाता है तो क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। ठीक है, इसे इसको उतारने की जरूरत नहीं। व्याकरण को कितने चार भागों में बांटा गया है, वर्ण विभाग, शब्द विभाग, पद विभाग और वाक्य विभाग। वाक्य की बात करें तो वाक्य से छोटा शब्द, शब्द से छोटा वर्ण। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्ण कैसे बने, जैसे मैं मान लो कि मैंने बोला आ, ठीक है, तो जब मैं आ बोल रहा हूँ तो ये तो क्या हो गया, ध्वनि हो गई ना, मेरे मुँह से निकल रही ध्वनि। लेकिन जब इसी ध्वनि को लिखित रूप दे दिया गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा वर्ण। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्ण विभाग, क्या पढ़ेंगे, वर्ण विभाग। तो वर्ण विभाग में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है, क्या यहाँ पे हम लिखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम तोड़ दें तो वर्ण प्लस माला, तो जैसे अगर हम बात करें फूलों की माला, तो फूलों की माला क्या होगी, फूलों से मिलकर बनी है। मोतियों की माला किससे मिलकर बनी है, मोतियों से मिलकर बनी है। इसी प्रकार अगर वर्णमाला की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, वर्णों की माला होगी ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्णों ब्रैकेट में लिख देंगे लिपि चिन्हों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क्या हो गया, आ री का, ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, ये वर्णमाला की पार्ट है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्णों अथवा लिपि चिन्हों, यहाँ पे इसको इसके अंदर कर लो ऐसे, वर्णों ब्रैकेट में लिख लो लिपि चिन्हों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें तो लिख सकते हैं कि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है, तथा ध्वनि वर्ण की मौखिक रूप होती है। वर्ण क्या होता है, ध्वनि का लिखित रूप होता है, तथा ध्वनि वर्ण की मौखिक रूप होती है। ठीक है, ये समझ में है ना। सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों अथवा लिपि चिन्हों के सुव्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, जैसे हमारा आ से लेके ज्ञा तक। ठीक है, और वर्ण जो होता है ध्वनि का लिखित रूप होता है, लेकिन ध्वनि जो होती है वर्ण की मौखिक रूप होती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे वर्ण को अगर हम डिवाइड करें, यानी कि विभाजित करें या वर्ण का भेद करें, तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अयोगवा को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्वर के ही साथ रखा जाता है इसको। तो अगर हम स्वर की बात करें, स्वर की संख्या 11 है और ये 39 और अयोगवा 2। तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखें आ आ ई, ये इस तरह, ठीक है, क ख च, ठीक है, ज, ठीक है, इसी प्रकार ये और है। यहाँ पे जो ये अनुस्वार और विसर्ग है, यहाँ पे जो अनुस्वार और विसर्ग है इनको अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रायः स्वर के साथ ही रखा जाता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे अगर पूछेंगे कुल स्वरों की संख्या,
तो यहाँ पे आप लिखेंगे कुल स्वरों की संख्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 ब्रैकेट में 11 प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 13 कैसे बना, यहाँ पे बन गया स्वर प्लस अयोग वाह, ठीक है। और अगर कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13, और अगर खाली पूछे स्वरों की संख्या तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11, ठीक है। अब बात आती कि स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर हम बोलेंगे जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं पड़ती है, उनको स्वर कहते हैं। स्वर तो लिखेंगे स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाने वाले या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाने वाले या बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे स्वरों की कुल संख्या 13, यहाँ पे लिखेंगे 11 प्लस 2 है, अगर ऐसा पूछ ले तो यहाँ पे लिखेंगे जबकि स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है। जब बात करें कि कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या में हम क्या करेंगे, 11 में दो अयोगवा जोड़ देंगे, यानी अनुस्वार और विसर्ग जोड़ के हम 13 बना देंगे, लेकिन अगर पूछ ले स्वरों की संख्या कितनी है तो फिर हम लगाएंगे कितना, 11 है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको कल के वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, तथा हमारे चैनल पर जो नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।